हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो की हालचाल, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉयल एनफील्ड के बारे में, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर में आता है। लेकिन इस वीडियो में हम रॉयल एनफील्ड के बारे में कुछ फैक्ट्स की बात नहीं करेंगे। अगर आपको रॉयल एनफील्ड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस वीडियो के बाद जरूर देखें। तो इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे फेमस लोग जिनके पास रॉयल एनफील्ड है या वो रॉयल एनफील्ड चलाना पसंद करते हैं। वैसे रॉयल एनफील्ड को हर एक बंदा पसंद करता है, चाहे वो फेमस सेलिब्रिटीज ही क्यों ना हो। वैसे आपने बहुत सी मूवीज में हीरो हीरोइंस को तो रॉयल एनफील्ड राइड करता हुआ जरूर देखा होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे सेलिब्रिटीज की जो रियल लाइफ में भी रॉयल एनफील्ड पर राइड करना पसंद करते हैं। तो क्यों बैठे हो खाली, उड़ा दो सब्सक्राइब बटन की लाली। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। नंबर वन, जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम के बारे में तो आप सबको पता ही है कि वो कितने बड़े बाइक्स और कार्स के शौकीन हैं। और इंडिया में ऐसी दो ही फेमस पर्सनालिटी हैं जिनका नाम सुर्खियों में रहता है उनके कार्स और बाइक्स के कलेक्शन की वजह से, जिसमें एक हैं एमएस धोनी और दूसरे जॉन अब्राहम। और जॉन अब्राहम के पास काफी स्पेशल कार्स एंड सुपर बाइक्स हैं, जैसे निसान GTR, लंबोर्गिनी गलाडो और यामाहा RD350, यामाहा R1, सुजुकी हायाबुसा एटसेट्रा। काफी लंबी लिस्ट है इनके कलेक्शन की। और जॉन अब्राहम को आप यामाहा फैनबॉय कह सकते हो, और वो ब्रांड एम्बेसडर भी थे इंडिया में यामाहा के। लेकिन जॉन के पास एक फुली कस्टमाइज रॉयल एनफील्ड बाइक भी है जिसे लाइटफुट कहते हैं, और ये राजपुताना कस्टम्स द्वारा बनाई गई है, जिनका काफी नाम है कस्टम बाइक्स बनाने में। नंबर टू, गुलपनाग। एक्ट्रेस गुलपनाग भी एक ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हैं, और उनके पास एक हैवली मॉडिफाइड महिंद्रा स्कॉर्पियो गेटअवे है जिससे वो काफी सुर्खियों में भी आई थीं। और ये ब्यूटी क्वीन कई बार देखी गई हैं रॉयल एनफील्ड राइड करते हुए। गुलपनाग के पास बुलेट इलेक्ट्रा 350 है, जो वन ऑफ द लास्ट कास्ट आयरन इंजन वाली बाइक थी रॉयल एनफील्ड की। नंबर थ्री, नाना पाटेकर। नाना पाटेकर को तो सब लोग ही जानते हैं इनके डायलॉग्स और एक्टिंग की वजह से, और ये बॉलीवुड में काफी पुराने समय से हैं। तो नाना पाटेकर सर को भी बी टाउन के अंदर रॉयल एनफील्ड पर राइड करना काफी पसंद है, और उन्हें कई बार देखा भी गया है रॉयल एनफील्ड बुलेट को राइड करते हुए। और उनके पास रॉयल एनफील्ड डेजर्ट स्टॉर्म है, और डेजर्ट स्टॉर्म वाली रॉयल एनफील्ड सबसे महंगी बुलेट है जिसकी एक्सोरूम प्राइस 2.05 लाख है। नंबर फोर, वरुण धवन। अब नेक्स्ट हैं हमारे वरुण धवन, जो कि नौजवानों के इस समय सबसे पसंदीदा और फेवरेट एक्टर हैं, और बेटे हैं डायरेक्टर डेविड धवन के, और काफी स्टाइलिश पर्सनैलिटी है। तो वरुण को कई बार देखा गया है जिम जाते वक्त अपनी कस्टम ऑलिव पेंटेड रॉयल एनफील्ड बुलेट 500 पर, और वरुण को आलिया भट्ट के साथ भी देखा गया है, जो उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड है रॉयल एनफील्ड पर। नंबर फाइव, जे लेनो। अगर आप भी एक ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट हैं तो आप जे लेनो सर को जरूर जानते होंगे। और अगर आप नहीं जानते तो जे लेनो एक अमेरिकन कॉमेडियन है जो ज्यादातर अपने एक शो की वजह से जाने जाते हैं, जो उन्होंने पूरे 17 साल तक होस्ट किया था, जिसका नाम टुनाइट शो था। और इनसे ज्यादा ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट मैंने लाइफ में नहीं देखा, क्योंकि इनका कार्स और बाइक्स का कलेक्शन काफी काफी बड़ा है, और खुद का यूट्यूब चैनल है जे लेनोज गैराज नाम से, और इनके पास टाटा नैनो भी है, और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 क्रोम भी है जो वो कभी कभी चलाते हैं। और सूत्रों से आया है कि इन पर रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रा भी है, और अभी हाल ही में उन्होंने लेटेस्ट रॉयल एनफील्ड की बाइक्स इंटरसेप्टर, कॉन्टिनेंटल और हिमालयन पर भी वीडियो बनाई थी। नंबर सिक्स, जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ को तो हर कोई जानता है, और इनका बेटा टाइगर श्रॉफ आजकल बॉलीवुड में धूम मचा रहा है। तो जो बाइक आप अभी देख रहे हैं उसने जन्म एक रेगुलर रॉयल एनफील्ड की कास्ट आयरन सीरीज वाली बाइक से ही लिया है, और ये जैकी श्रॉफ ने ओन कर रखी है, और ये एकदम वाइल्डली मॉडिफाई है, और शायद ही किसी सेलिब्रिटी ने इंडिया में इतनी वाइल्डली मॉडिफाई बाइक खरीदी होगी। और इसे मॉडिफाई वर्देंची कस्टम्स ने करा है, और इस बाइक का नाम है स्केलेटर। और बिना किसी शंका के ये एकदम सबसे यूनिक मॉडिफाइड रॉयल एनफील्ड है इंडिया की, और ये बाइक कहीं ना कहीं घोस्ट राइडर मूवी की बाइक से इंस्पिरेशन लेकर ही बनाई गई होगी। नंबर सेवन, जॉन्टी रोड्स। जॉन्टी रोड्स एक वेल नोन फेस हैं क्रिकेट के अंदर, और जॉन्टी रोड्स अपनी यंगर एज में एकदम सुपरमैन थे। इनकी क्रिकेट मैदान में फील्डिंग की आज भी तारीफ होती है, और ये उनमें से एक हैं जिन्हें फील्डिंग की वजह से जाना जाता है क्रिकेट में, ना कि बैटिंग और बॉलिंग से। और जॉन्टी रोड्स को इंडिया से काफी प्यार है,
और वो इंडिया आते रहते हैं क्योंकि वो आईपीएल में फील्डिंग कोच थे मुंबई इंडियंस टीम के। और इनका इंडिया के प्रति प्यार इस चीज से भी दिखता है कि इन्होंने अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा है। अब तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं जॉन्टी रोड्स इंडिया को। और उनमें से एक चीज जो वो पसंद करते हैं इंडिया की, वो है यहाँ की मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड। उनके पास रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 है जिस पर वो कई बार देखे गए हैं राइड करते हुए, और वो जब भी इंडिया आते हैं रॉयल एनफील्ड ही चलाते हैं। नंबर 8, कल्कि केकला। ये तो बाइकिंग के पैशन को एक अलग लेवल पर ही ले गई। कल्कि केकला और इनके फादर दोनों ने रॉयल एनफील्ड हिमालयन खरीदी जब वो न्यूली ही रिलीज हुई थी 2016 में, और दोनों ने एक साथ 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। और कल्कि केकला काफी पैशनेट राइडर हैं और मैं कह सकता हूं कि उन्होंने एकदम राइट बाइक चूज करी। और कुछ रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि रॉयल एनफील्ड ने उन्हें बाद में अपग्रेडेड BS4 वाला मॉडल भी गिफ्ट करा था हिमालयन का। नंबर 9, बिली जॉयल। बिली जॉयल एक और अमेरिकन सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने रॉयल एनफील्ड ओन कर रखी है। बिली जॉयल एक सिंगर और सॉन्ग राइटर हैं जिन्हें बाइक से बहुत प्यार है, और इनके पास क्रूजर बाइक्स का इंप्रेसिव कलेक्शन है जिसमें हार्ले डेविडसन और अदर बाइक्स हैं। और उसी कलेक्शन में रॉयल एनफील्ड के भी कुछ मॉडल्स हैं जैसे रॉयल एनफील्ड कास्ट आयरन इंजन बुलेट जो कि आर्मी ग्रीन कलर में है। और बिली जॉयल को उनकी पुरानी रॉयल एनफील्ड पसंद है और वो उसे लेकर टूर पर भी गए हैं। नंबर 10, आदित्य रॉय कपूर। आदित्य रॉय कपूर, अरे वही आस्की 2 वाले, अब तो समझ गए होंगे। तो ये टैलेंटेड एक्टर भी प्राउड ओनर है 2 रॉयल एनफील्ड बाइक्स के, जिसमें से इन्होंने एक AVL इंजन वाली माकिज़्मो 500 खरीद रखी है और दूसरी रॉयल एनफील्ड 500 कास्ट आयरन इंजन वाली। और इनसे हटके कुछ और एक्टर्स हैं जिन पर रॉयल एनफील्ड है, जैसे ब्रैड पिट, वही हैंडसम हंक हॉलीवुड फिल्म एक्टर जिन्हें भी रॉयल एनफील्ड के साथ देखा गया है, मोहनलाल सर मलयालम मूवी एक्टर जो रॉयल एनफील्ड क्रोम 500cc के प्राउड ओनर हैं। तो बस क्या कहें, रॉयल एनफील्ड चीज ही ऐसी है जिसका हर कोई दीवाना है, कॉमन पीपल से लेकर फेमस पीपल तक। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आप भी रॉयल एनफील्ड लवर हैं, और कमेंट्स में बताएं कि आपको रॉयल एनफील्ड की सबसे अच्छी बाइक कौन सी लगती है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।